व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। बेसिकली आज के इस वीडियो में आप लोगों को पांच ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आप अपनी समर वेकेशंस में ज़रूर करें। समर वेकेशंस आ रही है, आप लोगों को पता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना मस्ती करना इज़ नॉट एन यू नो, मैं कहूँगा कि यही सिर्फ काम नहीं होता। समर वेकेशंस में मज़े करने होते हैं, बिल्कुल करो मज़े। पढ़ाई करने का मन नहीं करता मत करो। मैं आप लोगों को रटने वाली चीज़ें नहीं बता रहा, नहीं, मैं खुद उससे चीज़ों से आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता। मेरा इस वीडियो में आप लोगों को जो चीज़ें बताने का मकसद है वो ये है कि आप स्किल्स सीखने पे फोकस करो, कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें करो जो लाइफ में काम आए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं भी आएगा तो लाइफ कोई बर्बाद नहीं हो जाएगी। अगर आपके स्कूल में मार्क्स कम आ गए, कॉलेज में मार्क्स कम भी आ गए, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने वाली। बट अगर स्किल्स नहीं आएंगे जो रिक्वायर्ड है फ्यूचर में, तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ सकता है। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्रोडक्टिव चीज़ें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को रेज्यूमे लिखना आना चाहिए। रेज्यूमे क्या होता है, जब आप कभी जॉब यू नो लेने जाते हो तो आपको रेज्यूमे की दरकार होती है। रेज्यूमे में आप अपनी स्किल्स को लिखते हो, आपने क्या क्वालिफिकेशन यू नो किया है, वो सारी चीज़ें लिखते हो। तो रेज्यूमे राइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो जब रेज्यूमे लिखने की बारी आती है, जब जॉब की बारी आती है, तो वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके छाप लेते हैं। तो अगर आपका रेज्यूमे ही बेकार होगा तो आपको चाहे कितनी भी चीज़ें आ जाए, जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको रिजेक्ट कर देगा। उसको पता होगा कि कौन सा रेज्यूमे किसने कहाँ से छापा है और कौन सा ओरिजिनल है। तो रेज्यूमे लिखना बहुत ज़रूरी है गाइस, इसको सीखो। इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप यू नो सीख सकते हो। और अगर आप चाहोगे कि मैं रिज्यूमे राइटिंग पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ज़्यादा कमेंट्स आए तो ज़रूर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के दूंगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा आप लोगों ने करनी है वो है इंटर्नशिप। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटर्नशिप। जब आपके कॉलेज में यू नो आपका टीचर बोले कि इंटर्नशिप करके लाओ या इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लाओ, तो कहीं से सर्टिफिकेट खरीद के मत ले आना। इट्स वेरी ईजी टू यू नो बाय सर्टिफिकेट्स फॉर इंटर्नशिप। कुछ रुपए दिए इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट आ गए, बट वो काम नहीं आएगा। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर स्कूल स्टूडेंट भी हो तो कहीं से कहीं ना देखो कि कोई स्कूल स्टूडेंट को इंटर्नशिप कराता है नहीं कराता। कॉलेज स्टूडेंट हो तो 15-20 दिन इंटर्नशिप ज़रूर करे, महीने की इंटर्नशिप भी होती है तो वो ज़रूर करे। कैसे ढूंढना है, naukri.com पे जाओ, shine.com पे जाओ, बहुत सारे यू नो आप लोगों को तरीके मिल जाएंगे ढूंढने के इंटरनेट पे। इंटर्नशिप में पैसे नहीं मिलते, या फिर मिलते तो बहुत कम मिलते हैं, बट येस जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत लाजवाब होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ आप लोगों ने करनी है कि कोई समर जॉब अगर कोई मिल रहा है आपको, कि कोई एक आध महीने के लिए आपको जॉब में रख रहा है, तो वो पकड़ लो। भले ही आपकी सैलरी कम हो, कोई इशू नहीं है, ये भी इंटर्नशिप के बराबर ही होता है, राइट? यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होगा कि काम कैसे होता है, किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, राइट? आगे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप कोई नई स्किल सीखो। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे ऑनलाइन तरीके हैं जहाँ पे आप नई नई स्किल सीख सकते हो, राइट? कि ऑनलाइन में क्या क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अगर आप फ्यूचर में ऑनलाइन में काम करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। या फिर अगर आपको कोई और इंटरेस्ट है किसी और स्किल्स में, उसको सीखो। कोर्सेरा है, उडीमी है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में कोर्सेज सिखाती है, तो आप वहाँ पर जाके सीख सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप कोई ना कोई बुक स्टार्ट करो, जो भी आपको रीडर की बुक पसंद है। बुक पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो घूमने जाओ, जहाँ पे आपको नया एक्सपीरियंस होता है उसी की, फिर उस पे आप एक पूरा आर्टिकल लिख सकते हो, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। आपको जो एक्सपीरियंस होगा उसको आप यू नो किस तरीके से उतारा जाता है अपने शब्दों में, वो भी चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिव करना बड़ा ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ रटते जाओ चीज़ों को, रटने पे मैंने कभी फोकस नहीं किया और किसी को भी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रटने वाली चीज़ें कभी भी लाइफ में काम नहीं आती। आपके भले ही कितने भी मार्क्स आ जाए स्कूल कॉलेज में, रियल लाइफ में स्किल्स ही काम आती है, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगा, जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होती है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।